आप में से देखो कोई बचाए कि मेरी जो साउंड है वो क्लियर आ रही है? ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग। तो ये कुछ क्वेश्चन और हैं जो पीडीएफ पे बेस्ड है। तो ये आपका न्यूक्लियर मॉडल्स असाइनमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो क्या पूछा है। यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों ही मिरर न्यूक्लियाई हैं। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटरचेंज है, इसलिए मिरर न्यूक्लियाई हैं। अब यहाँ पे कहा है द फॉर्मर इज ए पॉजिट्रॉन एमिटर विद क्यू वैल्यू 3.48। तो फॉर्मर का मतलब जो पहले लिखा हुआ है, और लेटर का मतलब जो बाद में लिखा होता है। जो न्यूक्लियर मॉडल्स है वो अपलोड हो गया होगा, तो उसमें असाइनमेंट नंबर पे फोकस मत करो। नंबर क्या पता वो 2 की जगह कुछ और हो, लेकिन न्यूक्लियर मॉडल्स का जो असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 20 है। उसके बाद तो अल्टीमेटली फॉर्मर का मतलब SI 27। द वैल्यू ऑफ आर नॉट फॉर दिस न्यूक्लियाई इफ आर इक्वल टू दिस। तो दोनों का जो रेडियस होगा वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मास नंबर ए बराबर है। तो हमें आर नॉट की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बीटा प्लस की जो रिएक्शन है वो लिख देंगे, ठीक है। इसे मैं कंफर्म कर लूंगा कि असाइनमेंट ये अपलोड है कि नहीं है, ठीक है। वैसे तो होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप कर लेंगे, ठीक, अगर बाई चांस नहीं है तो। अब देखो यहाँ पे हमने बीटा प्लस की रिएक्शन लिखी, एल्यूमिनियम 27 13, पॉजिट्रॉन का मतलब बीटा प्लस या ई प्लस, और साथ में न्यूट्रिनो। तो इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास जो क्यू बीटा है उसकी वैल्यू है MSI, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास की बात करें, माइनस एम एल्यूमिनियम माइनस 2 Me इंटू सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे MSI माइनस एम एल्यूमिनियम देखें माइनस 2 Me c स्क्वायर, तो एक्चुअली ये एक्चुअली मास डिफरेंस हो गया ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। इट इज मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, डिफरेंस इस तरह से होता है कि जिससे जिससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, पहले लार्जर वाला जेड होना चाहिए, बाद में स्मॉलर वाला जेड होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास सिलिकॉन 14 जिसमें जेड लार्ज है, तो ये हमने सही लिखा है, यानी कि डेल्टा ये हो गया डिफरेंस इन डिफरेंस ऑफ मास, ठीक। अब जो है हमें जो मास डिफरेंस है उसका फॉर्मूला यूज करना है। तो बीटा प्लस में बीटा प्लस नहीं, मास डिफरेंस फॉर मिरर न्यूक्लियाई, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है यहाँ पे, और ये एटॉमिक मास में फॉर्मूला है। एटॉमिक मास फॉर्मूला में क्या लिखा था, ये था हमारे पास MHc² माइनस MnC² प्लस प्लस Ac(a^2)3, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे Ac क्या है, Ac की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 3/5 इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4π ε₀ r₀। तो यहां पे r नॉट आ गया जो आपको निकालना है। अब आप क्या करो, इसको अपने फॉर्म में रख दो, तो अल्टीमेटली क्यू बीटा प्लस विल बी इक्वल टू MHc² माइनस MnC² प्लस 3/5 e² अपॉन 4π ε₀ r₀ a^2/3। ये तो हो गया मास डिफरेंस, माइनस 2 Me c² यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और H नहीं दे रखा है, पर अगर स्टैंडर्ड रखें तो आप वैल्यू लिख सकते हो। देखो c² की मल्टीप्लाई इसलिए हो रही है क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को चेंज करने के लिए मास में c² मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका MHc² यहाँ पे H को आप जो है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, माइनस MnC² माइनस 2 Me c² प्लस 3/5 इंटू, अब एक्चुअली इनकी वैल्यू दो और फिर देखो कितना आंसर आ रहा है। तो क्यू बीटा आपको दे रखा है 3.48, इन सबकी जब स्टैंडर्ड वैल्यू रखोगे तो वो आएगा माइनस 1.8 Me, ठीक है। ये मैंने आपको शायद फर्स्ट सेकंड लेक्चर में इनकी वैल्यू लिखवा की है, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की और हाइड्रोजन एटम की भी,
हाइड्रोजन एटम की जगह आप एम ई प्लस एम पी भी लिख सकते हो, ये हो गया प्लस 3/5 1.44 एम ई वी फर्मी इंटू 27^2/3 ओवर आर नॉट। यहां से आर नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? कैलकुलेटर जो कोई कर रहा हो तो इसमें बताओ कितना आंसर है। आप इसका आंसर हाँ क्या आ गया 1.47, ठीक है। तो ये हो गया 1.47 फर्मी, तो इसका बी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट ये भी आपका न्यूक्लियर मॉडल्स में क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज, यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी है ना, तो यहाँ थोड़ा सेपरेशन एनर्जी का एक फॉर्मूला ड्राइव करा दो तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालो सेपरेशन एनर्जीज, हालांकि सेपरेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो आपको पता है। तो किसी भी एंटिटी को अगर सेपरेट करना हो तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज सेपरेशन एनर्जी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी एंड प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। सो फॉर न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी यू हैव ए न्यूक्लियाई जिसमें से आपको न्यूट्रॉन सेपरेट करना है, तो यहां पे एक तरह से आपको न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा ए माइनस वन, जेड विल रिमेन सेम प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, न्यूट्रॉन जो सेपरेशन एनर्जी होती है वो माइनस की होती है। अगर क्यू होता तो मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, अगर सेपरेशन एनर्जी है तो मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हो गया एटॉमिक मास ए माइनस वन और जेड का यानी कि वाई का एक तरह से, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ए जेड इंटू सी स्क्वायर, दिस इज योर सेपरेशन एनर्जी। ऑल्सो सेपरेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्यू की क्यू लिखे तो इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो क्यू होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहां पर जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। और यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर है, इसलिए यहां पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो लेट्स से दीज आर योर इक्वेशन नंबर वन कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी की, तो यहां पे आपने न्यूक्लियाई में एनर्जी प्रोवाइड करी फ्रॉम आउटसाइड। तो लेट्स से हमारे पास जो नया न्यूक्लियाई आया वो आर आया, इसका एटॉमिक नंबर भी कम होगा और मास नंबर भी रिड्यूस बाय वन होगा, तो ये प्रोटॉन मिल गया आपको। तो यहाँ पे फिर से हम अगर प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी लिखें तो वो आएगी एम ए माइनस वन जेड माइनस वन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन की जगह हम एटॉमिक मास यूज कर रहे हैं तो इसलिए एम एच माइनस एम ए जेड इंटू सी स्क्वायर। तो सेपरेशन एनर्जी आपकी माइनस क्यू है, इसलिए हमने पहले प्रोडक्ट लिखा है फिर माइनस जेड लिखा है। उसके बाद सेपरेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी होगी आपकी ए जेड माइनस बी ए माइनस वन जेड माइनस वन, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी से प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो फॉर सेम पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स। डॉटर न्यूक्लियाई जरूर चेंज हो गए हैं लेकिन पेरेंट न्यूक्लियाई सेम एक्स है। तो जब आपने किया तो क्या आएगा, ये हो जाएगा एम ए माइनस वन जेड माइनस एम ए माइनस वन जेड माइनस वन, फिर आएगा प्लस एम एन माइनस एम एच इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे जो एम एच है वो एटॉमिक मास है ऑफ हाइड्रोजन, तो ये डिफरेंस आ गया। अब यहां पे देखो फोकस करो कि ये
ये अभी हमने जनरल बात करी है, अब यहाँ पे अगर मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई हो तो क्या होगा, मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई, इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लो, इसको लेट्स से सेकंड कह लेते हैं, तो मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई है एम ए माइनस वन जेड माइनस एम ए माइनस वन जेड माइनस वन। तो अब अगर हम ये माने कि आपका जो मिरर न्यूक्लियाई है वो वाई और आर है, ठीक है, फॉर मिरर न्यूक्लियाई वाई एंड आर, अगर ये मिरर न्यूक्लियाई है, यहां से पता नहीं चल रहा, अगर ये है यानी कि अगर इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरचेंज है तब, तो ये हो जाएगा एम एच सी स्क्वायर माइनस एम एन सी स्क्वायर प्लस ए सी ए माइनस वन रेज टू पावर टू बाई थ्री, या फॉर्मूला ए की पावर टू बाई थ्री होता है, पर आपके मिरर न्यूक्लियाई है उनमें ए माइनस वन है, इसीलिए माइनस वन यूज किया है, इट इज इक्वेशन नंबर थ्री। तो आप देख सकते हो, अब इस थर्ड से सेकंड में वैल्यू पुट कर दो, थर्ड से सेकंड में वैल्यू पुट करनी है, जो जो आपके सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट टू टर्म्स है वो मास डिफरेंस है मिरर न्यूक्लियाई का, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल गया कि न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी माइनस प्रोटोन सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू ए सी ए रेस टू पावर ए माइनस वन रेस टू पावर टू बाई थ्री, या इसको आप कह सकते हो कूलम एनर्जी डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। कूलम एनर्जी डिफरेंस मैंने आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल में सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला बताया था, तो वो यही होता है। इसी तरह से आप अगर बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जो मैं जो सेपरेशन एनर्जी बाइंडिंग एनर्जीज में है उनसे भी करोगे, उनसे भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब आगे से आप ये याद रख सकते हो दैट सेपरेशन एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, और यहां पे आप लिख सकते हो एसी की वैल्यू, वेयर एसी इज इक्वल टू 3/5, ये कूलम एनर्जी कोफिशिएंट है। पी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1.44 एमईवी फर्मी, ठीक है। तो अब अगर ये हो गया तो अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड चलें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास है फॉर द ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेशन, सेपरेशन की स्पेलिंग में पीई आएगा, सेपरेशन एनर्जीज आर 15.7 एंड 12.2 एमईवी रेस्पेक्टिवली। तो दोनों की सेपरेशन एनर्जी दे दी है, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की ऑक्सीजन 16 के लिए, अज्यूमिंग दैट द पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड दैट द डिफरेंस इन सेपरेशन एनर्जीज इज ड्यू टू द कूलम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन द वैल्यू ऑफ आर नॉट फॉर रिजल्टिंग न्यूक्लियाई where the radius r is this, इसके लिए resulting के लिए resulting resulting, ठीक है, resulting का मतलब जब आप न्यूट्रॉन को सेपरेट कर रहे हो, जब आप प्रोटॉन को सेपरेट कर रहे हो, तो जो आपके डॉटर न्यूक्लियाई आए हैं उसका रेडियस ये है, तो उसका r नॉट चाहिए, ठीक है। तो जितने जो दोनों आपके न्यूक्लियाई मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के बाद, उनका जो मास नंबर है वो सेम होगा, अगर मास नंबर सेम होगा तो ऑब्वियसली उनका रेडियस भी सेम होगा, तो उससे करस्पॉन्डिंग आपको r नॉट चाहिए। तो आपने फॉर्मूला लिखा न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी को सिंबल हम जो पहले यूज किया था वही कर लेते हैं, एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा साउंड कम कैसे है, या तो मेरा ये देखिए पता नहीं कुछ को सही लग रही है कुछ को कम लग रही है, अब कोई नेट की प्रॉब्लम है क्या है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा आप सबने भी ना हेडफोन लगा रखे हैं ना, हेडफोन जरूर लगा रखे हैं तभी शायद हो सकता है। तो अब देखो यहां पे क्या किया हमने, हमने ऑक्सीजन 16 में सेपरेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, लेट्स से न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, तो हमें कोई न्यूक्लियाई मिला, लेट्स से एक्स मिल गया, तो इसका मास नंबर 15 हो जाएगा, साथ में हमें न्यूट्रॉन मिला और यहां पे 8 रहा। उसके बाद अगर हमने ऑक्सीजन में सेपरेशन एनर्जी प्रोटॉन अप्लाई करी तो हमें लेट्स से वाई मिल गया, उसका भी 15 है मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर भी कम हो जाएगा यानी 7, तो ये हो जाएगा आपका 1p1। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स और वाई एक्चुअली क्या है, मिरर न्यूक्लियाई है, एक्स और वाई मिरर न्यूक्लियाई जिसमें मास नंबर जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इंटरचेंज। तो अगर एक्स और वाई मिरर न्यूक्लियाई है तो उनके लिए अब इन फॉर्मूले में अगर हम जो डेरिवेशन किया था अगर हम उसका यूज करते हैं, तो हमने कहा
कि न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी माइनस प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे जो है एक तरह से ए माइनस वन इनका हो जाएगा, अगर हम ए को पेरेंट वाला के माने, ए माइनस वन की पावर 2/3। तो अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो हमारे पास ये आ गया 15.7 माइनस 12.2 इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू होती है 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया आर नॉट, और यहाँ हो गया ए माइनस वन का मतलब 15 इज टू पावर 2/3। यहां से आप आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी, तो ये आ रही है आपकी 1.50। 1.50 तो देखो जिन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, एक बार चेक करो, ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने बीटा डीके में क्यू वैल्यू के काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हमें बात न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस की। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस तो ये जो है गिवन बाय पॉली इन 1930। और ये जो है जो हाइपोथेसिस, ये थियोरेटिकल हाइपोथेसिस है, तब तक न्यूट्रिनो पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये थियोरेटिकल हाइपोथेसिस है। जैसे युकावा मैसन थ्योरी वाज आल्सो थियोरेटिकल, जहां पर उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि देयर विल बी पार्टिकल ऑफ सच एंड सच मास एंड ही कॉल्ड दैट पार्टिकल पाई मैसन्स, और लेटर ऑन पाई मैसन्स वर डिस्कवर्ड। सिमिलरली पॉली थियोरेटिकली प्रिडिक्टेड दैट देयर विल बी पार्टिकल एंड ही नेम्ड इट न्यूट्रिनो, एंड लेटर ऑन आई कैन से इन इन 1956 एक्सपेरिमेंटली with the same properties which Pauli quoted was discovered in 1956. तो हम कह सकते हैं कि experimental verification 1956 में हुआ। अब देखो यहाँ पे है क्या important point, ये है कि 1930 में आपके पास इस तरह के instrument नहीं थे कि वो एक ऐसा particle discover कर दे जिसमें charge नहीं है, जिसका mass almost zero है, तो फिर अल्टीमेटली न्यूट्रिनो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हम कह इनिशियली न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो वर नॉट इजी टू डिटेक्ट एज दे आर ऑलमोस्ट मासलेस एंड दे आर चार्जलेस। So, the beta decay reactions show violation of linear momentum, angular momentum, and energy. तो initially क्या हुआ कि जब ये beta decay reaction लिख रहे थे तो उसमें न्यूट्रिनो को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, विदाउट न्यूट्रॉन लिख रहे थे, क्योंकि न्यूट्रॉन डिटेक्ट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से कोई पार्टिकल न्यूट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है, केवल डॉटर न्यूक्लियाई और बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो उससे प्रॉब्लम ये आई कि अगर हम केवल डॉटर न्यूक्लियाई और बीटा पार्टिकल को एमिट कराएं और उनसे अगर आप थ्योरी देखें और कैलकुलेशन करें तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा था रिएक्शन में, एंगुलर मोमेंटम नहीं हो रहा था, एंड ऑब्वियसली नहीं हो रही थी एनर्जी का, मतलब हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम वो ऑब्जर्व वो जो है एक्सप्लेन नहीं। तो फिर न्यूट्रिनो ने जो है ये कहा कि देयर शुड बी अ थर्ड पार्टिकल विद प्रॉपर्टीज, और जब उसको इन्वॉल्व किया तब इन तीनों का कंजर्वेशन को एक्सप्लेन कर पाए। तो हम यहां पे ये लिख रहे हैं कि न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस रिजॉल्व दीज वायलेशंस, रिजॉल्व और एक्सप्लेन दीज कंजर्वेशन लॉज।
सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नंबर फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैं आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स में भी बताता, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ना कि ऑर्बिटल या स्पिन एंगुलर मोमेंटम। पहला पॉइंट यह है कि हमने सबसे पहले रिएक्शन अगर लिखी तो वो विदाउट न्यूट्रॉन लिखेंगे। लेट्स से हम बीटा रिएक्शन की लिख रहे हैं, हमने ये रिएक्शन लिखी जेड प्लस वन प्लस बीटा माइनस, अभी तक विदाउट न्यूट्रॉन लिख रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन नहीं लिखे तो फिर एंगुलर मोमेंटम वायलेट कैसे हो रहा है इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब यह है कि हम, मैंने आपको जो है वैसे तो डिटेल में जो है सिलेक्शन रूल इन अल्फा डिके बताया था कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी रिएक्शन में कैसे करते हैं, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन सबको ऐड करते हैं। तो उसको अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो यहाँ भी डीके है ये एट रेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि जे ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू जे ऑफ वाई प्लस देखिए अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ क्योंकि तो मैं इसमें बहुत इसमें मैं काफी तेज बोल रहा हूँ जानबूझ के, उसके बाद भी अगर वॉल्यूम नहीं आ रही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों प्रॉब्लम होती है। आप एक बार अपना सेट या अपना जो भी जिसमें भी देख रहे हैं मतलब लैपटॉप या मोबाइल उसमें देखें कि उसमें थोड़ा आवाज देख, अब क्या कर सकते हैं इसमें समझ नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो और सब लोग लिख रहे हैं उन सबको आवाज़ क्लियर आ रही है, तो जिनको नहीं आ रही है उनका मुझे आप लोग देखें क्या प्रॉब्लम है ना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उन सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई, जे वाई हो गई, उसके बाद यहाँ पे जो बीटा है उसका केवल स्पिन आएगा, स्पिन ऑफ बीटा जो कि हाफ होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, तो बीटा और इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ पे पार्टिकल का जे नहीं आएगा क्योंकि सिंगल पार्टिकल के लिए कोई एल नहीं होता है, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो सिंगल पार्टिकल उसकी स्पिन होती है। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियाई है तो न्यूक्लियाई में उसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, तो रिलेटिव मोशन की वजह से एल भी आएगा, स्पिन भी आती है सबकी, ऐड करके जे बनता है, ठीक है। तो वैसे तो हम सेल मॉडल से निकाल लेते हैं लेकिन ये कंसेप्ट हो गया। तो अब तीसरा इसमें अगर आप कह सकते हो तो तीसरा इनका रिलेटिव मोशन की वजह से एल ऑफ द प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब होगा जब दोनों तरफ जो आपने ये निकाले हैं, अब देखो क्या प्रॉब्लम है, हमें एल पता नहीं है, एल इज नॉट इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। तो थियोरेटिकली अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो एल कैसे निकालेंगे, तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि एल, सिंस एल इज ऑलवेज इंटीजर, एल इज ऑलवेज इंटीजर, तो एल से ज्यादा ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। एस बीटा का मतलब है स्पिन ऑफ बीटा, स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह सकते हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बीटा पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल का एल, पार्टिकल देखो अगर पार्टिकल का जी नहीं होता है, अगर जे निकालोगे जे होता है एल प्लस एस, और एल किसी भी पार्टिकल का जीरो होता है, ठीक है। मैंने आपको सेल मॉडल में डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, तो हमने क्या कहा था कि सिंगल प्रोटॉन सिंगल न्यूट्रॉन में जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल स्पिन की वजह से है, क्योंकि सिंगल पार्टिकल के लिए ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए केवल हमने बीटा का स्पिन लिखी, जबकि पूरे न्यूक्लियाई के लिए वाई और एक्स के लिए जे लिखा। एल हमारा वाई और बीटा का जो रिलेटिव मूवमेंट है उसकी वजह से आएगा, जो कि हमेशा इंटीजर होता है, तो एल को निकालने की जरूरत नहीं होती। हम जो है यहाँ पे बिना एल को निकाले अगर हम करें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर दोनों तरफ रिजल्टेंट हमारी इंटीजर आ जाए तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, चाहे बराबर भी ना हो, क्योंकि हम एल नहीं निकाल पा रहे। तो अभी हम फिलहाल एल को हटा दें। अब देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स, ये लिखा वाई, जेड प्लस वन बीटा माइनस। तो हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज अज्यूम्ड टू बी कंजर्व्ड इफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन बोथ साइड्स आर इंटीजर, बल्कि इस आएगा इज इंटीजर, और
टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन बोथ साइड्स इज हाफ ऑड इंटीजर। कहने का मतलब यह है कि आपको एल को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एल को एलो करने के लिए तो एग्जैक्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट कर लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट करने के लिए एल निकालना बहुत कम्बरसम है, बहुत टाइम लगेगा, तो आप एल को स्किप कर दो कि एल से जो कंट्रीब्यूशन है, एल तो इंटीजर है, उससे वही आएगा इंटीजर, हाफ इंटीजर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये कहें कि जो जे है, यहाँ इधर आ गया जे एक्स, इधर आ गया केवल जे वाई और एस बीटा का वेक्टर एडिशन। अगर ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर का मतलब बराबर तो नहीं होंगे क्योंकि हमने एल हटा दिया, तो हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ हाफ इंटीजर या इंटीजर होना चाहिए। चाहो तो आप एल भी इंक्लूड कर लो इसमें, इसमें ये मतलब ये मैं सोचो कि हमने एल क्यों हटा दिया, मैं बताऊंगा कैसे, एल प्रोटेक्ट कर लो। अब देखो हम कैसे करेंगे, अब हम ये कह रहे हैं कि इफ ए इज इवन, अगर आपका मास नंबर इवन है तो यहाँ पे x और y के लिए a सेम है, तो यहाँ पे j की वैल्यू इंटीजर आएगी, बिकॉज a इज इवन, j की वैल्यू इंटीजर, s की वैल्यू हाफ होती है और l ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इन सब का वेक्टर एडिशन करोगे तो क्या आएगा, हाफ ऑड इंटीजर ये आएगा, जबकि लेफ्ट साइड में इंटीजर है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब होता है जब दोनों तरफ इंटीजर होते हैं, और जब कैलकुलेट करोगे तो बराबर भी आएंगे। फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करें तो इतना ही बहुत है कि दोनों तरफ इंटीजर और या दोनों तरफ हाफ इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि विदाउट न्यूटनो या विदाउट एंटी न्यूटनो एंगुलर मोमेंटम इज वायलेटेड, ठीक है। तो हम कहेंगे विच इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम इज वायलेटेड, तो क्या करें, तो फिर पॉली ने कहा कि देयर शुड बी अ थर्ड पार्टिकल एंटी न्यूटनो, तो अब हम एंटी न्यूटनो को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं नाउ एंटी न्यूटनो इज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। तो जब आपने एंटी न्यूटन को इन्वॉल्व किया तो यहाँ पे आया x, यहाँ पे आया y, ये हो गया बीटा माइनस और ये एंटी न्यूटन, और एंटी न्यूटन की स्पिन भी हाफ होती है। तो अब हमने कहा जे एक्स यहाँ पे हो जाएगा जे वाई स्पिन ऑफ बीटा स्पिन ऑफ एंटी न्यूटन और l ऑफ द प्रोटेक्स। अब अगर आप करोगे तो ये तो है इंटीजर, अगर a इवन है तब की बात हो रही है, a ऑड है तो उसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो a इवन के लिए जे एक्स इज इंटीजर, जे वाई इंटीजर, स्पिन ऑफ बीटा इज हाफ, स्पिन ऑफ एंटी न्यूटन इज हाफ, ये जो एंटी न्यूटन है ये भी फर्मी फर्मियोन है, इसकी स्पिन हाफ होती है, ये ऑलवेज इंटीजर। तो जब आप राइट साइड में प्रोडक्ट्स का वेक्टर एडिशन करोगे तो इन सब का जो वेक्टर एडिशन आएगा ये इंटीजर आएगा, इट इज इंटीजर। तो दोनों तरफ इंटीजर हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, तो हम कह सकते हैं कि बाई न्यूटन हाइपोथेसिस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, अगर न्यूटन को इन्वॉल्व नहीं करते तो एंगुलर मोमेंटम वायलेट हो रहा था। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब हम नेक्स्ट उस पर चले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पे अगर आप ए को ऑड करोगे तो भी आप इसी तरह से कर सकते हो, अगर ए को ऑड कर दोगे तो जे एक्स का हाफ इंटीजर, जे वाई का हाफ इंटीजर, और उससे करोगे तो एक तरफ हाफ आ जाएगा एक तरफ इंटीजर आएगा, फिर जब आप उसमें न्यूटन इन्वॉल्व करोगे तो फिर वो कंजर्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, अब हमें करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने अगर रिएक्शन लिखी अगर हमने रिएक्शन लिखी तो ये आएगी बीटा माइनस जेड प्लस वन, और यहाँ पे विदाउट न्यूट्रिनो लिख रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एंटी न्यूट्रिनो को इन्वॉल्व ना करें तो लीनियर मोमेंटम वायलेट कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो ये डीकेट रेस्ट है, डीकेट रेस्ट, अगर डीकेट रेस्ट है तो होना ये चाहिए टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम वाई एंड बीटा शुड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वाई प्लस मोमेंटम ऑफ बीटा, विच इंप्लाइज जीरो, ये जीरो हो गया, ये हो गया पी वाई प्लस पी बीटा, तो आप कह सकते हो कि मोमेंटम ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ बीटा, ठीक है। टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम वाई एंड बीटा शुड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने चाहिए थे, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वाई और बीटा अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, जब डिटेक्टर से डिटेक्ट किया तो उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं थी, बट एक्सपेरिमेंट्स
मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या क्वेश्चन पूछा यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। तो हमने कहा बट एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट दे डू नॉट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब पॉली ने कहा, तो पॉली सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए थर्ड पार्टी। तो अगर हम डायग्राम बनाए तो हो ये रहा है कि जब आपका एंटी न्यूटोनो नहीं था तो मान बीटा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका लीनियर मोमेंटम लेट्स से ये है, तो ऐसे माने कि वाई मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका लीनियर मोमेंटम ये है, तो दे आर नॉट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं आया, तो कि जीरो आना चाहिए था टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। इनका रिजल्टेंट किधर को आ रहा है अगर हम पैरेलोग्राम बनाए, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो फिर अब यहां पे हम लिख रहे हैं कि इफ एंटी न्यूटोनो इज इन्वॉल्वड, अगर एंटी न्यूटोनो को इन्वॉल्व किया और रिएक्शन आपकी ये हो गई, तो फिर जो जो ये भी कहा गया कि थर्ड पार्टिकल होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि उसका जो डायरेक्शन होगी वो वाई और बीटा के रिजल्टेंट की अपोजिट होगी। यानी कि अगर हमने लिखा कि बीटा की डायरेक्शन, हमने लिखा वाई की डायरेक्शन ये है और इनका जो रिजल्टेंट है इनका जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है मान लो, तो फिर बीटा शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट, दिस शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट टोटल बिकम्स जीरो। ठीक है, सो हम कहेंगे सो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूटोनो शुड बी सच दैट द रिजल्टेंट द रिजल्टिंग लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल थ्री बिकम्स जीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि थर्ड पार्टिकल से आप मोमेंटम कंजर्वेशन कर पाए, अदरवाइज वो वायलेट हो रहा था। अब हम बात करेंगे कंजर्व एनर्जी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ये एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं हो रहा था पार्टिकल, ये थियोरेटिकली कहा गया कि तीसरा होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में, उसे डिटेक्टर्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, वो लेटर ऑन पार्टिकल डिटेक्ट हुआ। अब हमें करना है नंबर थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब यहां पे बात हो रही है टोटल एनर्जी, एनर्जी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वस बीटा स्पेक्ट्रम। जब हमने स्पेक्ट्रम अल्फा पार्टिकल का देखा तो वो डिस्क्रीट आता है, उसमें पीक्स आती हैं। फाइन स्ट्रक्चर जो हमने देखा, तो अगर अगर हमारा डॉटर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट बना तो उसमें एक से ज्यादा पीक्स आ रही है, लेकिन पीक्स आएंगी कंटिन्यूस नहीं आता, जबकि बीटा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे क्या है। द बीटा पार्टिकल्स एमिटेड कवर्स कवर्स एक कंटिन्यूअस रेंज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू विच इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द बीटा एक्टिव न्यूक्लियाई। दिस मैक्सिमम एनर्जी इज कॉल्ड एंड पॉइंट एनर्जी। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल प्लॉट देखें के बीटा का और यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड, यहाँ पे नंबर, तो प्लॉट इस तरह से आता है
कि बीटा माइनस का तो ये आएगा, लेट से दिस इज योर एंड पॉइंट एनर्जी, और बीटा प्लस का कुछ इस तरह से आएगा। अगर किसी न्यूक्लियर बीटा प्लस हो रहा है तो उसका ग्राफ यहाँ से इस तरह की ये सेप आती है इस तरह की, और बीटा माइनस की इस तरह की सेप आती है। हम यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव नहीं, यानी क्वालिटेटिव मतलब इस सेप का प्लॉट आएगा, यहाँ पे कितनी एनर्जी है अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फ्यू एमवी होती है बीटा पार्टिकल्स, आप 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट न्यूक्लियाई जिससे बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्पेक्ट्रम जो बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, आपके सैंपल में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, उनमें से बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, तो डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे, तो उनमें ये देखा गया कुछ की एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ की मैक्सिमम है और कुछ की उनके बीच में, अल्टीमेटली सारी पॉसिबल एनर्जीज निकल रही है सेम न्यूक्लियाई से, सेम प्रॉपर्टी उस न्यूक्लियाई की, उसमें होना ये चाहिए कि सभी बीटा पार्टिकल्स की सेम एनर्जी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, आपके पास कंटिन्यूस एनर्जी मिल रही है, इसलिए जब स्पेक्ट्रम बनाया तो इस तरह से आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। तो अब हम क्वेश्चन ये है कि विदाउट न्यूट्रिनो हम इस कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसे हम देखेंगे कैसे, और न्यूट्रिनो को इन्वॉल्व करेंगे तो इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख दूं विदाउट न्यूट्रिनो, लेट्स से बीटा माइनस की रिएक्शन है विदाउट एंटी न्यूट्रिनो, तो इसका जो क्यू वैल्यू आएगी वो आएगी के वाई प्लस के बीटा, क्योंकि एक्स डी के एट रेस्ट है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बट मास ऑफ वाई एम वाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है, विच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई विल बी वेरी वेरी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा इन बीटा डीके के वाई इज ऑलमोस्ट जीरो। अल्फा डीके में हमने ऐसा नहीं कहा था, अल्फा में हमने कहा था कम है पर उसको जीरो नहीं कहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, अल्फा पार्टिकल में भी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, इट इज नॉट सो लाइट दैट वी कैन से के वाई इज ऑलमोस्ट जीरो, बट इन केस ऑफ बीटा डीके बीटा पार्टिकल इज हैविंग जस्ट वन इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो उसका मास केवल 0.5 एमईवी है, जबकि अल्फा पार्टिकल कितना होता है ऑलमोस्ट 4000 एमईवी। 4000 क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन का मास होता है 938.3 एमईवी अपॉन सी स्क्वायर, एक न्यूट्रॉन का होता है 939.6, अगर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन हो तो 4000 से थोड़ा सा कम, तो 4000 और 0.5 में बहुत ज्यादा अंतर है। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ बीटा डीके द मास ऑफ वाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ बीटा एंड सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज ऑलमोस्ट जीरो। आप उसको अब मैं यहां पे फिर से बता रहा हूं एक बात, आपके न्यूमेरिकल्स में बीटा डीके में वाई की काइनेटिक एनर्जी वाई की नहीं दी होगी, उसको जीरो ही मानना है, ये मानो कि वो रेस्ट पे ही रेस्ट पे बना, अपने आप उसको जीरो कहोगे, ठीक है, लेकिन अल्फा डीके में हम नहीं कहते हैं, कम जरूर है अल्फा डीके में पर जीरो नहीं है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर के बीटा अगर बीटा डीके में के वाई जीरो कर दो तो क्यू जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई के बीटा के बराबर, क्यू वैल्यू के बीटा के बराबर आ गई, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल शुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू क्यू वैल्यू, एंड देयरफॉर द स्पेक्ट्रम शुड हैव ए सिंगल पीक इंस्टेड ऑफ ए कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो हम यहां लिख सकते हैं दस बीटा स्पेक्ट्रम शुड हैव ए सिंगल पीक इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो हम ये कह सकते हैं कि विदाउट न्यूट्रिनो दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो अल्टीमेटली टू एक्सप्लेन दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ए थर्ड पार्टिकल विच पॉली प्रिडिक्टेड शुड बी देयर एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट पार्टिकल वी कैन एक्सप्लेन दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस पर आ रहे हैं, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले। तो हम कह रहे हैं कि दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वाज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस।
हेलो, आप मेरी भैया की ड्यूटी है सर, है ना? तो अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अब दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ ठीक है, इसमें ठीक, अब दिख, ओके ओके, अब दिख रही है, ठीक है। तो दिस कंटिन्यू इंस्पेक्टर वाज एक्सप्लेन बाय न्यूटन हाइपोथेसिस। अब हम यहाँ पे न्यूटन को इन्वॉल्व करेंगे। तो हमने लिख दिया वाई जेड प्लस वन प्लस बीटा वन प्लस एंटी न्यूटन, ठीक है। अब अगर आपने क्यू वैल्यू की इक्वेशन लिखी तो आएगी के वाई प्लस के बीटा प्लस के एंटी न्यूटन। सिंस के वाई इज ऑलमोस्ट जीरो विच इम्प्लाइज क्यू विल बी के बीटा प्लस के एंटी न्यूटन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नाउ क्यू इज डिवाइडेड बिटवीन के बीटा एंड के एंटी न्यूटन। अब अगर हम एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें और उसमें समझे कि अब हम इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड हैं, यहाँ पे आपका के बीटा है, ये आपका मान लो स्पेक्ट्रम है बीटा माइनस का। तो ये जो एंड पॉइंट एनर्जी है ये वैल्यू होती है क्यू के बराबर, क्यू वैल्यू, टोटल एनर्जी क्यू वैल्यू है। अब यहां पे देखो हमारे पास लेट से हम यहां पे तीन पॉइंट माने, लेट से दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड लास्ट जो एंड पॉइंट है दिस इज योर पॉइंट सी। तो पॉइंट ए पे अगर हम देखें तो पॉइंट ए पे क्या हुआ, पॉइंट ए पे के बीटा जीरो है, ठीक है। तो के बीटा जीरो है तो इसका मतलब सारी एनर्जी जो आएगी वो क्यू वैल्यू जो जो के एंटी न्यूटन होगा वो सब उसको मिल गई। पॉइंट ए पे क्या हुआ, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज जीरो एंड देयरफॉर द टोटल एनर्जी एमिटेड क्यू इज टेकन बाय द एंटी न्यूटन, इट विल बी इक्वल टू क्यू। तो ये पूरी क्यू के बराबर, क्यू को मिल गई। बी पॉइंट पे क्या हुआ, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की कितनी है, के बीटा। तो जो बची हुई क्यू में से है, क्यू माइनस के बीटा, दैट इज टेकन बाय द न्यूटन, एंटी न्यूटन। सी पॉइंट पे क्या हुआ, सी पॉइंट पे सारी एनर्जी के बीटा की है, ये कर्व के बीटा का है, सब के बीटा है, और इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है एंटी न्यूट्रिनो की वो जीरो जाएगी, जबकि ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मानो अगर आपको लेट से आपके पास बनाना है, लेट से आपके पास टेन बनाना है और आपको टू स्टूडेंट्स में बांटने, तो आपकी मर्जी, आप एक को दस दे दो दूसरे को जीरो दे दो, आपकी मर्जी, आप एक को एक दे दो दूसरे को नाइन दे दो, आप एक को दो दे दो दूसरे को आठ दे दो, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तो केवल दस ही हैं और यहाँ पे आप फ्रैक्शन नहीं कर रहे हो इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर बीटा की बात करें, बीटा बीटा की कैंडी की बात करें, तो हम कह सकते हैं एक को जीरो दूसरे को क्यू वैल्यू, एक को पॉइंट वन दूसरे को क्यू माइनस पॉइंट वन, एक को पॉइंट जीरो जीरो वन दूसरे को क्यू माइनस पॉइंट जीरो जीरो वन, एक को पॉइंट जीरो जीरो फाइव दूसरे को क्यू माइनस। कहने का मतलब यह है कि ये बीटा जीरो से लेके क्यू वैल्यू तक सभी पॉसिबिलिटी रख सकता है, क्योंकि क्यू इज डिवाइडेड बिटवीन के बीटा एंड के एंटी न्यूटनो। सो बाय द हेल्प ऑफ न्यूटनो हाइपोथेसिस you could able to explain this continuous spectrum. तो अब इसमें जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है उनकी बात हम कर लेते हैं, उनके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे क्या हुआ, अगर हमारा कर्व ये था तो पॉइंट ए बी और सी हमने ये लिए थे, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ये क्यू वैल्यू, ये के बीटा है और यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। तो पॉइंट ए पे के बीटा इज जीरो विच इंप्लाइज क्यू इक्वल टू के बीटा प्लस के एंटी न्यूटनो
अगर के बीटा जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि के एंटी न्यूट्रिनो इज इक्वल टू क्यू, या कह सकते हो कि के एंटी न्यूट्रिनो क्या हो गया, के एंटी न्यूट्रिनो मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो व्हिच इज इक्वल टू। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में मैक्सिमम वर्ड आ जाए, व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो, यू विल से क्यू वैल्यू व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज जीरो। अब हम बात करेंगे पॉइंट बी की। एट पॉइंट बी द काइनेटिक एनर्जी इज डिवाइडेड बिटवीन बीटा एन, तो यहां पर के बीटा भी है, के एंटी न्यूट्रिनो भी है, तो हम कह सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू के बीटा प्लस के एंटी न्यूट्रिनो। अगर आपको के बीटा निकालना है तो क्यू माइनस के एंटी न्यूट्रिनो कर देंगे एंड वाइस वर्सा। तो इसमें आपको क्यू वैल्यू निकालने के लिए हो सकता है मास दे दे और आपको एक ही काइनेटिक एनर्जी दे दे दूसरे की पूछ ले, टोटल एनर्जी दोनों की एडिशन के बराबर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आपका पॉइंट सी है। एट पॉइंट सी के एंटी न्यूट्रिनो इज जीरो, विच इंप्लाइज क्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमें पता है के बीटा प्लस के एंटी न्यूट्रिनो है, तो अगर जीरो कर दिया तो यहाँ हो जाएगा के बीटा विल बी इक्वल टू क्यू वैल्यू। इसको आप कह सकते हो कि के बीटा मैक्स इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में आए व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ के बीटा ऑफ बीटा पार्टिकल, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वैल्यू। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की और एंटी न्यूट्रिनो की दोनों की ही क्यू वैल्यू होगी। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, ये है आपका असाइनमेंट नंबर थ्री, यानी कि अल्फा बीटा गामा डीके में क्वेश्चन नंबर फोर। क्या दे रखा आपको? द एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन एंड बोरोन आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस एमई। इफ एनर्जी ऑफ द एमिटेड बीटा पार्टिकल इज दिस, बीटा की एनर्जी दे दी तो एनर्जी न्यूट्रिनो की पूछ ली, ठीक है, और यहां पे बीटा डीके किसमें हुआ, बीटा डीके हुआ है कार्बन से बोरोन में। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख दो, कार्बन से बोरोन में बीटा डीके हुआ है। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है बीटा प्लस है बीटा माइनस है, इसलिए जब आप रिएक्शन लिखोगे उससे पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका, अगर ये फाइव है तो यहाँ जाएगा बीटा प्लस, ठीक, और यहाँ जाएगा न्यूट्रिनो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्यू वैल्यू निकाल लो, तो क्यू विल बी बीटा प्लस के लिए एटॉमिक मास में क्यू वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ कार्बन मास ऑफ बोरोन माइनस टू एम ई इंटू सी स्क्वायर। बीटा प्लस में टू एम ई आता है और बीटा माइनस में केवल एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर होता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो यह जाएगा आपका 11.0114 माइनस 11.0093 इंटू 931.5। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं दे रखा है तो यहाँ लिख दो 1.02 ट्वाइस ऑफ एमई, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.93415 एमईबी। क्यू वैल्यू आ गई, अब हमें पता है कि क्यू वैल्यू इज इक्वल टू के बीटा प्लस के न्यूट्रिनो, के बीटा प्लस प्लस के, तो यहाँ पे न्यूट्रिनो की एनर्जी आ जाएगी, के बीटा यानी के न्यूट्रिनो निकालनी है, के न्यूट्रिनो इज इक्वल टू क्यू माइनस के बीटा प्लस, ये हो जाएगा 0.93415 माइनस 0.5, तो ये हो गया आपका 0.43415 एमईबी, ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब हम नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे है ना, नेक्स्ट लेवल चलते हैं। ये भी असाइनमेंट नंबर थ्री का है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे क्या है, इफ द गिवन बीटा प्लस डीके इज दिस, और आपसे कहा है देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा प्लस इज दिस, मैक्सिमम का मतलब समझ रहे हो, मैक्सिमम का मतलब क्यू वैल्यू, मैक्सिमम तभी होगी जब जब न्यूट्रिनो की जीरो होगी, तो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू 4.3 दे दीजिए। अब आपसे पूछा है रेडियस ऑफ सल्फर 33 न्यूक्लियस, तो जैसे ही रेडियस की बात आए वैसे ही ये मान लो कि इसमें मास डिफरेंस इन्वॉल्व होगा, मास डिफरेंस। तो यहां पे जो हमने मैं आपको थोड़ा बता दूं, इससे पहले हमने कहां पे किया था,
इसी ये वाला क्वेश्चन बीटा प्लस का ये किया था यहाँ पे, यहाँ पे यही था ना, वन यहाँ पे 1.8, यहाँ सबसे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा है q बीटा प्लस इज इक्वल टू माइनस 1.8 एमईवी प्लस एसी ए रेस टू पावर 2 बाय 3, ठीक है। तो इसका ही यूज करना है बीटा प्लस वाले का, और ये मिरर न्यूक्लियर के लिए मास डिफरेंस था, तो अब भी हम मिरर न्यूक्लियर के लिए ही करेंगे आप, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, तो हमने कहा q बीटा प्लस इज इक्वल टू, q बीटा प्लस की वैल्यू होती है मास ऑफ क्लोरीन माइनस मास ऑफ सल्फर माइनस 2 ME इनटू c स्क्वायर एटॉमिक मास। तो ये हो गया आपका मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई, क्लोरीन और सल्फर मास मिरर न्यूक्लियाई है, ये हो जाएगा आपका MH c स्क्वायर माइनस MN c स्क्वायर प्लस AC ए रेस टू पावर 2/3 माइनस 2 ME c स्क्वायर। तो इनका जब वैल्यू रख दोगे तो हमने क्या कहा था कि आ जाती है माइनस 1.8 MeV, तो क्यू बीटा प्लस होता है माइनस 1.8 MeV प्लस AC ए रेस टू पावर 2/3। अब यहाँ पे AC की वैल्यू आप रख सकते हो अगर आपको रेडियस निकालना है, तो यह आ जाएगा 3/5 इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4π ε0, यहाँ वैल्यू आएगी ए की पावर 2/3 अपॉन R0, ये आती है। अगर आपको यहाँ पे R में लिखना है, अगर आपको यहाँ पे R को इन्वॉल्व करना है, तो क्या करोगे, ए की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई ए की पावर 1/3 से डिवाइड। तो इसको ए में करने के लिए ये हो जाएगा, आर में करने के लिए प्लस 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4π ε0, यहाँ हो जाएगा ए की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आर। अब आप यहाँ पे क्यू बीटा की वैल्यू, तो क्यू बीटा यहाँ पे दे रखा है 4.3 मैक्सिमम वैल्यू माइनस 1.8, ये हो जाएगा प्लस 3/5 इंटू 1.44 MeV फर्क मी इंटू ए की वैल्यू है 33 और आपको आर निकालना है। तो देखो कितना आंसर आ रहा है, आप लोग चैट पर कुछ लिख रहे हो क्या? एक्चुअली मुझे चैट दिख नहीं रही है, कोई भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ अगर कुछ कोई किसी का आया तो। मुझे अब दिखा है वो, एक्चुअली कुछ मैंने कुछ कुछ कर दिया होगा जो दिख नहीं रहा था, अब दिखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4.67, 4.67 फॉर बी सी। हाँ तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको ये क्वेश्चन करना है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिट, ये भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन, बुकलेट का नहीं है, असाइनमेंट नंबर 3 अल्फा बीटा गामा डीके वाला। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड बीटा पार्टिकल इन द रिएक्शन दिस वेयर एचजी स्टार रिप्रेजेंट्स मर्करी न्यूक्लियस इन द एक्साइटेड स्टेट। तो हमने कहा था जैसे अल्फा डीके में एक्साइटेड स्टेट में डॉटर न्यूक्लाई बन सकता है, सिमिलरली बीटा डीके में भी आपका डॉटर न्यूक्लाई एक्साइटेड स्टेट बन सकता है। अगर वो एक्साइटेड स्टेट बनेगा तो वो ग्राउंड स्टेट में आएगा एमिटिंग गामा पार्टिकल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी 1.088 MeV अबाउ द ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट का जो बीच में डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस वो 1.088 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास ये AU 198 है, यहां से ये बीटा डीके हुआ बीटा माइनस, तो ये एक्चुअली एच जी स्टार में होगा, उसके बाद यहां से ट्रांजिशन होगा एमिटिंग गामा फोटोन। तो ये जो डिफरेंस दे दिया है, ये दे दिया आपको 1.088 MeV, तो ये इंडायरेक्टली कह लो इट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब अगर हमारे पास रिएक्शन ये लिखी हुई है, तो इसमें जो एच जी स्टार है वो ग्राउंड स्टेट में डीके होगा, तो वो गामा फोटोन एमिट करेगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि मास ऑफ
एक्स जी स्टार इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स जी इंटू सी स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आपको क्या करना है, जो हमें रिएक्शन दे रखी है वैसे निकालना क्या है, आपको समझ में आ रहा है, हमें जो है निकालना है द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड बीटा पार्टिकल। अगर मैक्सिमम निकालना है तो इसका मतलब क्यू वैल्यू निकालनी है, लेकिन रिएक्शन आपकी एच जी स्टार वाली है, तो एच जी स्टार के लिए क्यू वैल्यू क्या जाएगी, फॉर ए यू एच जी स्टार प्लस बीटा प्लस एंटी न्यूटनो। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो क्यू वैल्यू आएगी वो आएगी मास ऑफ ए यू माइनस मास ऑफ एच जी स्टार, इन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का सबट्रैक्शन होता है, का डिफरेंस आता है, ठीक है, इसमें माइनस टू में नहीं आता, माइनस टू में आता बीटा प्लस। तो अब यहाँ पे आप एच जी स्टार का जो वैल्यू है वो आप फर्स्ट रख दोगे, तो ये हो जाएगा ए यू माइनस मास ऑफ एच जी इंटू सी स्क्वायर और साथ में माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन, जो कि एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू दिस एनर्जी डिफरेंस। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि आपको जो मास दे रखे हैं वो एक्साइटेड स्टेट वाले नहीं थे, तो वो हो गया 197.968233 माइनस 197.96676 इंटू 931.5 माइनस 1.088। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये क्यू वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्यों आ रही है, सब लोग अपने जो वीडियो है उसे ऑफ कर लेना है ना, उसे डिस्टर्बेंस होती है। तो ये वैल्यू आ गई 0.28 के आसपास, तो ये आ जाएगा आंसर आपका ए। तो गामा डीके अल्फा डीके और बीटा डीके के साथ ही होता है, जब आपका अल्फा और बीटा में डॉटर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट बनते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये करना है, अब आपके बुकलेट में पेज नंबर 37, ये नेट जून 2018 में आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसमें क्योंकि दो रिएक्शन दे रखी है, मैंने आपको तीन चार भी करा रखी, चार वाली भी करा रखी है, कि जब रिएक्शन ज्यादा होती है तब कैसे करें। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको रिएक्शन दे रखी है कॉपर प्लस प्रोटॉन, यहाँ से यहाँ बना जिंक प्लस न्यूट्रॉन इज फॉलोड बाय द प्रॉम्प्ट बीटा डीके ऑफ जिंक। तो जब ये रिएक्शन पहली रिएक्शन हुई तो इस ये फॉलो हुई कि जब जो जिंक बना वो डीके हो गया कॉपर और बीटा प्लस में या इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन में, ठीक है। तो आपके पास दो रिएक्शन है, जब जिंक बना जिंक से आपको कॉपर मिल गया, बीटा प्लस मिल गया और साथ में न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन ये है, इफ द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव, ये पोजिशन नहीं है, पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, इफ द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन इज 2.4 MeV। तो अब तक ये क्वेश्चन हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि आपको पता नहीं था कि बीटा डीके में जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो एक्चुअली क्यू वैल्यू होती है उस रिएक्शन की, क्योंकि यहाँ पे पॉजिट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी दी है, तो ये मानो कि न्यूट्रिनो को जीरो एनर्जी मिली होगी तब इसकी मैक्सिमम आई होगी, दैट इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। तो आपको क्यू वैल्यू इस सेकंड रिएक्शन की मिल गई है। क्वेश्चन ये है, द क्यू वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल रिएक्शन इन एमीबीज नियरेस्ट टू, ओरिजिनल रिएक्शन कौन सी है, ओरिजिनल का मतलब जो पहली रिएक्शन है। तो आपको जो पहली रिएक्शन दे रखी है कॉपर प्लस प्रोटॉन वाली, उसका क्यू वैल्यू चाहिए अगर सेकंड रिएक्शन का क्यू वैल्यू दे रखा हो 2.4, और इसके लिए आपको मासेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी दे रखे हैं, लेकिन मास कॉपर और जिंक का नहीं दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करो, अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनना, इसे कैसे करेंगे, इसके दो मेथड है, तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो हम समझ सकते हैं कि जो क्यू वैल्यू वाले क्वेश्चन है वो शायद आपको समझ में आ जाएंगे। अब तक तो हमने किया ही है, लेकिन इसको करने के बाद हम कह सकते हैं फिर कोई भी क्वेश्चन आए शायद आप फिर कर पाओ। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने आपसे कहा था कि क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मासेस वो होता है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर, एंड दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड फॉर न्यूक्लियर मास, बट फॉर एटॉमिक मास इट इज ओनली वैलिड इफ दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और कंडीशन क्या थी, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। तो ये जो कंडीशन है, आप अगर कंडीशन देखें तो कंडीशन पहले वाली रिएक्शन में सेटिस्फाई हो रही है, जबकि दूसरी रिएक्शन बीटा डीके वाली है उसमें एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई, मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपने एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला याद कर रखा है बीटा प्लस में, जहां पे माइनस टू एम आता है,
तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप फॉर्मूला, अब यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द मास ऑफ कॉपर बी MCU, लेट द मास ऑफ जिंक बी MZN, लेकिन जब आप लेट करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप लेट न्यूक्लियर मास कर रहे हो या एटॉमिक मास कर रहे हो। अगर आप न्यूक्लियर मास कर रहे हो तो आप क्यू का फॉर्मूला मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट लगा सकते हो। अगर आप एटॉमिक मास को लेट कर रहे हो तो फिर आप दोनों के लिए एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो पहले वाले का तो वही हो जाएगा मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट टू सी स्क्वायर, क्योंकि पहले वाले में कंडीशन सेटिस्फाई है, दूसरे वाले में जो आपने एटॉमिक वाली याद करी है वो करोगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था जब एक से ज्यादा रिएक्शन हो तो सभी में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो सभी में एटॉमिक मास वाला या सभी में न्यूक्लियर मास वाला। अब हम यहां पे मान लो एटॉमिक मास वाला यूज कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन ये है कि लेट, मैं न्यूक्लियर मास वाला कर लेता हूं, एटॉमिक मास वाले से भी सेम आंसर आएगा, तो लेट न्यूक्लियर मास भी, मासेस भी स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं MCU। अगर ऐसा है तो फॉर फर्स्ट रिएक्शन, फॉर फर्स्ट रिएक्शन लेट से Q1, फर्स्ट रिएक्शन Q1 का मैंने, फॉर फर्स्ट रिएक्शन Q1 इज मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, अगर मैं न्यूक्लियर मास कर रहा हूं तो MP यूज करूंगा, अगर एटॉमिक मास कर रहा होता तो MH यूज करता, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन का मास दे रखा है, MH नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने न्यूक्लियर मास कर लिया। एटॉमिक मास करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू M कॉपर प्लस M प्रोटॉन माइनस M जिंक माइनस M न्यूट्रॉन इनटू C स्क्वायर। आपने Q1 से ये फॉर्मूला लिख दिया, आपको ये Q1 ही चाहिए जो कि ओरिजिनल रिएक्शन का है। अब जो सेकंड रिएक्शन है, अगर उसका हम Q लिखें, जिसको आप Q2 लिख सकते हो या Q लिख सकते हो, जो इन्होंने Q कहा है, तो Q2 और Q जो कि 2.4 है, जो कि 2.4 है, उसकी वैल्यू क्या है? अगर न्यूक्लियर मास में बात करें तो वो भी मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू C स्क्वायर, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज जीरो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें हमें M कॉपर माइनस M जिंक की वैल्यू नहीं पता है। आप लोग समझ नहीं रहे, आप में से कोई कह रहे हैं कि माइनस टू एम ई आएगा, माइनस टू एम ई एटॉमिक मास में आएगा, न्यूक्लियर मास लिखा है मैंने, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास में होगा मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। अगर आप चाहो तो मैं एटॉमिक मास वाले से भी कर सकता हूं, मैं यहां पे तीन मेथड से करूंगा। फर्स्ट मेथड है आपका, दिस इज योर फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, फर्स्ट मेथड में है न्यूक्लियर मासेस। न्यूक्लियर मासेस में आप, न्यूक्लियर मासेस इज ऑलवेज वैलिड इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, तो न्यूक्लियर मास में आप करोगे मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं एटॉमिक मास से कर दूंगा, और उसके बाद थर्ड मेथड से करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है वही हो गया। अब क्या करना है आपको, अगर आपको Q1 निकालनी है, Q1 आपका तब निकलेगा जब आप मास, यहाँ से मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ जिंक की वैल्यू निकालोगे। किससे निकालोगे? ये इक्वेशन नंबर सेकंड से निकालोगे। तो सेकंड से क्या निकालो, सेकंड से निकालो मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ जिंक, मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ जिंक इंटू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी। हमने कॉपर पहले लिखा है और जिंक बाद में लिखा है, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऐसा ही है, तो ये हो जाएगा माइनस 2.4 माइनस माइनस एम ई सी स्क्वायर, माइनस एम ई सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 2.4 माइनस एम ई की वैल्यू रखी है 0.5, तो ये होगी माइनस 2.9। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, पुटिंग इन फर्स्ट, तो आपका क्यू बना गया मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ जिंक इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू तो ये है, फिर माइनस प्लस प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, तो यह जाएगा माइनस 2.9 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 938 लिखा हुआ है, और 939.5 है न्यूट्रॉन का, तो कितना आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए हो गया माइनस 4.4 माइनस 4.4 एमई। माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस होगा, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक नहीं है। ठीक है, तो जो सेकंड वाली है वो तो बीटा डीके है, सेकंड वाली तो स्पॉन्टेनियस है, तो बीटा डीके ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो बीटा डीके की रिएक्शन क्यों पॉजिटिव होती है, तो यहां पे 2.4 पॉजिटिव है, बट फर्स्ट रिएक्शन वो अपने आप नहीं हो रही है, उसमें आपने प्रोटॉन को इंसिडेंट किया होगा तब हो रही है, उसमें कुछ एनर्जी दी होगी, इसीलिए इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है माइनस 4.4 एमईवी। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इट इज योर मेथड नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं मेथड नंबर सेकंड, तो यहां पे जो जिनको कंफ्यूजन है, मैं यहां पे एटॉमिक मास यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मेथड नंबर टू में क्या करो, आप लेट एटॉमिक मासेस बी मास ऑफ कॉपर, मैंने कैपिटल लिख लिया, मास ऑफ जिंक। तो अगर ऐसा है तो Q1 क्या जाएगा, Q1 तो पहली वाली में तो कंडीशन सेटिस्फाई है, तो एटॉमिक मास वही आ जाएगा मास ऑफ द रिएक्टेंट्स
माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई. अब सेकंड क्या है, सेकंड वाली जो रिएक्शन है वहां से अगर आप क्यू निकालो तो वो है, अब आप माइनस टू एमई वाला फॉर्मुला लगाओगे क्योंकि आप एटॉमिक मास यूज कर रहे हो, तो मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ कॉपर. और एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी गलती किया है, यहां क्या गलती हुई है मुझसे पहले वाली में, अगर आप एटॉमिक मास लिख रहे हो तो आप एमपी नहीं लिखोगे, आप एमएच लिखोगे. अगर यहां पे आपने एमपी लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इट इज एमएच, एमपी नहीं होगा क्योंकि आप एटॉमिक मास यूज कर रहे हो, एटॉमिक मास में उसका एटम का मास यूज करते हैं, तो एमपी की जगह एमएच लिखते हैं. ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या हो गया, एम जिंक माइनस एम कॉपर माइनस टू एमई इंटू सी स्क्वायर. अब इसमें क्या करो, यहां से आप मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ जिंक की वैल्यू निकाल लो जो कि आपको फर्स्ट में रखनी है. तो ये वैल्यू आ गई, ये आपका 2.4 था, इट इज 2.4, तो ये हो गया माइनस 2.4 और यहां जाएगा माइनस 2ME इंटू सी स्क्वायर. तो ये हो गया माइनस 2.4 माइनस 1 क्योंकि ME की वैल्यू है 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस 3.4 MeV. इसको आपको फर्स्ट में रखना है, पुटिंग इन फर्स्ट. तो जब फर्स्ट में रखोगे तो ये आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ जिंक को लिख दो माइनस 3.4 MeV. अब यहाँ पे देखो ये है प्लस MH सी स्क्वायर माइनस MN सी स्क्वायर. अब आपको MH की वैल्यू देनी रखी है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जो MH सी स्क्वायर है तो MH को लिख लोगे MP प्लस ME, MP प्लस ME, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है. तो ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू माइनस 3.4 प्लस 938 माइनस 939.5 और एमई रह गया, यहाँ पे एमई रह गया तो एमई को लिख रहा है प्लस 0.5 और फिर बाद में माइनस एमएन 939.5. देखो इससे वही आंसर मिलना चाहिए माइनस 4.4. ठीक है, तो ये हो गया माइनस 4.4 है. अब मैं आपको बता दूं मेथड थर्ड मैंने आपसे क्या कहा था कि आप क्यू का फॉर्मूला ना यूज करके अगर आपको दोनों रिएक्शन के, अगर आपको एक से ज्यादा रिएक्शन है तो आप जितनी भी रिएक्शन है सब में क्यू वैल्यू लिख लो, उसके बाद उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट एटसेट्रा. तो आपने यहाँ पे थर्ड मेथड में क्या किया, आपने यहाँ पे पहली रिएक्शन लिखी 63 कॉपर 29 जो इन्होंने दे रखी वो लिख दी प्लस प्रोटोन 63 जिंक 30 प्लस एन, साथ में Q1 लिख दो, क्यू वैल्यू को उन रिएक्शन के साथ में लिख दो. तो यह हमें Q1 चाहिए था. सेकेंड रिएक्शन आपकी क्या है, 63 जिंक 30 और इससे आपको मिला 63 कॉपर 29 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन. यहाँ पे भी क्यू वैल्यू लिख दो, क्यू वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है 2.4. अब क्या कर दो, इन रिएक्शंस को ऐड कर दो. तो जब ऐड करोगे तो दोनों तरफ कॉपर और जिंक कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एडिंग कर दो. तो यहाँ पे जाएगा कॉपर प्लस जिंक प्लस प्रोटोन इज इक्वल टू जिंक प्लस कॉपर प्लस एन, एन का मतलब समझ रहे हो, एन का मतलब उसका उसकी एनर्जी जो दे रखी है मास से प्रोडक्ट एनर्जी, प्लस एन प्लस क्यू वन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस 2.4. अब यहाँ से कॉपर और जिंक कैंसिल कर दो, तो अब यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई है, यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई है, ये हो जाएगा एक तरह से प्रोटोन माइनस न्यूट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन और माइनस 2.4. तो इनकी जो इक्विवेलेंट एनर्जी है वो लिखनी है आपको, मतलब MP C स्क्वायर ऐसे मानो MP C स्क्वायर. तो जब आप इसे करोगे तो देखो आपको वही आंसर मिलेगा जो पहले मिला था माइनस 4.4. ठीक है, तो ये थर्ड मेथड हो गया, इससे भी आंसर सेम मिलेगा. इनकी वैल्यू देना प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की जो उनके मास इक्वल टू एनर्जी मास में एनर्जी की मल्टीप्लाई करनी है. इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ मतलब इसकी एनर्जी की एनर्जी लिखनी है. ये हो जाएगा आपका MP C स्क्वायर माइनस MN C स्क्वायर माइनस MEC स्क्वायर माइनस 2.4. ठीक है, तो योगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. अब आपको नेक्स्ट चाहिए टिफर 2016 पेज 39. इस वाले क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का इशू है. कंसीडर द प्रोसेस इन विच एटम्स ऑफ एक्टिनियम गेट्स कन्वर्टेड टू एटम्स ऑफ रेडियम एंड यील्ड ऑफ एनर्जी इज 0.64 MeV पर एटम.
ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो यील्ड ऑफ एनर्जी है इसी में ही कंफ्यूजन है और बाकी सब तो हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ दिस अकर्स थ्रू, तो ये जो है किससे होगा, तो यहाँ जो ऑप्शन है वो इस तरह से है कि बीटा माइनस, बीटा प्लस या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इनमें से किससे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो यील्ड ऑफ एनर्जी 0.64 है क्या, अगर मैं इसे क्यू वैल्यू मान लूं तो फिर प्रॉब्लम ये है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्यू वैल्यू है, बेस 39 पे क्वेश्चन नहीं है। आप देखो टिफर 2016 38 पे है, कोई बात नहीं 38 लिख लो, 38 पे है, इट इज इन 38 पे देखो। तो यहां मैं कह रहा हूं कि यहां पे हमें लगता है कि ये एनर्जी रिलीज लग रही है हमें, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है कि इट इज, तो यहां पे थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तो हमें कहेंगे कि 0.64 क्या है, ये है मास ऑफ एक्टिनियम, मास ऑफ एक्टिनियम माइनस मास ऑफ रेडियम इनटू सी स्क्वायर, ये एक्चुअली मास डिफरेंस है, ये एक्चुअली मास डिफरेंस है, एमवी पर एटम या पर न्यूक्लियॉन जो भी कहो आप। ठीक, इट इज नॉट क्यू वैल्यू, क्योंकि अगर ये क्यू वैल्यू होती और क्यू वैल्यू हमें पता है बीटा डीके में पॉजिटिव होनी चाहिए और ये 0.64 अगर पॉजिटिव आ जाता तो फिर तीनों पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखनी है हमें कि एक्टिनियम, एक्टिनियम में आपका 89 से रेडियम 88 बना, यानी कि जेड इज डिक्रीज बाई वन, जेड इज डिक्रीज बाई वन। ठीक है, तो अगर जेड डिक्रीज बाई वन है तो इसका मतलब ये बीटा माइनस नहीं है, यहाँ पे जेड से जेड माइनस वन बना, विच इंप्लाइज इट इज नॉट बीटा माइनस, ये बीटा माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इट कैन बी बीटा प्लस और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जहां पे जेड इज डिक्रीज बाई वन। अब इन दोनों में से क्या होगा, उसके लिए हम कहेंगे कि फॉर बीटा प्लस मास ऑफ एक्टिनियम माइनस मास ऑफ रेडियम शुड बी ग्रेटर देन 1.2 एमईबी, एटॉमिक मास ये होंगे, जबकि यहां पे केवल 0.64 है, व्हिच इंप्लाइज बीटा प्लस इज नॉट पॉसिबल। फॉर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर योर मास ऑफ एक्टिनियम शुड बी जस्ट ग्रेटर देन मास ऑफ रेडियम। ठीक है, इसमें प्लस बाइंडिंग एनर्जी होती है पर बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, 0.64 का डिफरेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं व्हिच इंप्लाइज इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज पॉसिबल। अब बताओ कौन सा आंसर लग रहा है आपको इन चारों में से, तो डी हो गया, ओनली इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज पॉसिबल। अब हम आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, और वो क्वेश्चन टिफर का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसे देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे मैंने आपको कह चुका हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम इसके इस लैंग्वेज की है, यहाँ पे हमें लगता है कि यील्ड ऑफ एनर्जी, जैसे कि एनर्जी रिलीज हो रही हो, लेकिन यहाँ पे ये लैंग्वेज थोड़ी मतलब सही होनी चाहिए थी, तो ये एक्चुअली क्यू वैल्यू नहीं है, ये इन दोनों का मास का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं खुद मान रहा हूँ कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है, लैंग्वेज सही होती तो शायद हम इसे और सही से करते। अब हम आगे चल रहे हैं, अब फोकस करना अगले वाले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब काफी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये आपका पेज नंबर 27 है फॉर 2016, यहाँ पे आपको दे रखा है द विस सेकंड सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला फॉर ऑड न्यूक्लियस विद जेड प्रोटॉन्स एंड ए न्यूक्लियस मे बी रिटन एज़ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि चलो ये बात में करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है तब आपको समझ आएगा। तो हमें जो है मास दे दिया और यहाँ पे जो अल्फा आई है ये कांस्टेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आर कांस्टेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ जेड एंड ए। अब यहाँ पे आगे क्या है, फॉर ए गिवन ए जेड ए इज द नंबर ऑफ, ये फोटॉन्स नहीं है प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स जेड ए इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार। मैंने आपको सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले में बताया था कि मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए जेड कैसे निकालते हैं, अगर आपको गिवन बाइंडिंग एनर्जी या गिवन मास दे रखा हो, जो कि यहाँ पे दे रखा है मास, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दो तो जो वैल्यू जेड की आती है वो वैल्यू फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको जेड ए निकालना है तो जेड ए कितना होगा, अगर आप डेल एम बाई डेल जेड जीरो कर दो और ए को कॉन्स्टेंट कह दो, उससे जो जेड आएगा वो जेड ए हो जाएगा। अब आगे हम ये कह रहे हैं द टोटल एनर्जी रिलीज, हमें यहाँ पे क्यू वैल्यू निकालनी है, टोटल एनर्जी रिलीज व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियाइड अंडरगोज ए सिंगल बीटा माइनस डीके, यानी कि यहाँ पे बीटा माइनस डीके हो रहा है, कोई न्यूक्लियाई है जिसे बीटा माइनस डीके हो रहा है, उस न्यूक्लियाई का जेड और ए नहीं पता है, लेकिन वो जिसमें डीके हो रहा है उसका जेड और ए पता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल बीटा माइनस डीके टू, ये टू इंपॉर्टेंट है, टू दिस, तो जिसमें डीके हुआ उसका जेड और ए ही पता है कि उसका ए तो ये है ए मास नंबर और जेड उसका जेड ए है। यानी कि अभी हमें इतना पता है कि जो न्यूक्लियाई बना, लेट्स से ये वाई वाला बना,
उसका मास नंबर ए है और उसका एटॉमिक नंबर जेड ए है, और मिला क्या आपको बीटा माइनस, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो ये बनेगा, तो बीटा माइनस की आपने रिएक्शन लिख दी। आपको जो नोन है और ये एक्स लेट से एक्स डीके हुआ, आपको जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका जेड और ए नहीं पता था, लेकिन बीटा माइनस जिसमें डीके हुआ उसका जेड और ए पता है। अगर ऐसा है तो क्या एक्स का नहीं पता एक्स का पता चल जाएगा? अगर आपको वाई का पता है तो एक्स का भी पता चल जाएगा। तो एक्स का तो ए हो गया, हमें पता है कि बीटा माइनस में ए रिमेंस सेम। अब ये बताओ कि एक्स का जेड कितना लिखें, एक्स का जेड कितना लिखें अगर वाई का जेड ए है तो? आप लोगों में से कुछ गलत लिख रहे हैं, कुछ सही लिख रहे हैं, आधे लिख रहे हैं जेड प्लस ए, आधे लिख रहे हैं जेड माइनस ए, तो जेड माइनस वन, आधे लिख रहे हैं जेड प्लस वन। ठीक है, सिंपल इसमें चार्ज कंजर्व कराओ ना, राइट साइड में कितना चार्ज है, वाई में चार्ज है जेड ए क्योंकि वाई में जेड प्रोटॉन्स है, बीटा में चार्ज है माइनस वन, टोटल चार्ज और न्यूट्रॉन में जीरो होता है, तो टोटल चार्ज जेड माइनस वन हो गया राइट साइड में, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में भी जेड माइनस वन होगा, जेड प्लस वन, आधे लोगों ने जेड प्लस वन लिख दिया। तो आप अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो कैसा काम चलेगा? यहाँ पे राइट साइड में जेड माइनस वन है तो लेफ्ट में भी जेड माइनस वन होगा क्योंकि बीटा माइनस का है उन्होंने। अब आपने रिएक्शन लिख दिया जेड के टर्म्स में, जेड के टर्म्स में इसलिए लिख दिया क्योंकि जेड को आप निकाल सकते हो। अगर आप केवल जेड के टर्म्स में लिखे तो जेड आपको पता नहीं जेड कितना है, पर जेड की वैल्यू पता है आपको, जेड की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर क्यू वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो मैं जेड निकाल लेता हूँ, तो जेड कैसे आएगा? अगर आपको जेड निकालना है तो जेड की वैल्यू जाएगी डेल एम अपॉन डेल जेड, ये को कॉन्स्टेंट करो, इक्वल टू जीरो। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा थ्री जेड, सॉरी अल्फा थ्री प्लस टू जेड अल्फा फोर, तो इसी को जेड को जेड ही कह दोगे इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जेड ए की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा थ्री अपॉन टू अल्फा फोर। अभी आपने जेड की वैल्यू निकाली, अब आपको निकालना क्या है, आपको क्यू वैल्यू निकालनी है, टोटल एनर्जी लिस्ट, तो क्यू वैल्यू होगी आपकी। अब यहाँ फिर से वही वाली बात है कि क्वेश्चन ये है, मेरी बात आप ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मास नहीं दे रखे हैं हमें, क्यू की वैल्यू मास में लिखनी है। अगर मैंने यहाँ पे इस एम जो एम मास दे रखा है, जो मास दे रखा है उसका एक्सप्रेशन दे रखा है, एग्जैक्ट मास एक्सप्रेशन दे रखा है, तो क्वेश्चन ये है क्या ये एक्सप्रेशन न्यूक्लियर मास में है या एटॉमिक मास में? भले ही इन्होंने यहाँ पे और न्यूक्लियस वर्ड यूज कर लिया हो, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्यू वैल्यू वाला फॉर्मूला है, अगर मैं न्यूक्लियर मास वाला यूज करूँ जो कि होगा एम एक्स, यहाँ पे होगा एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास, अगर मैं ये कर दूँ, और यहाँ पे मास की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, यानी कि जेड और ए की वैल्यू रखेंगे, ए और वाई की, उससे मास निकलेगा। अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या मैं इस एम ई को रिमूव कर पाऊंगा, क्योंकि एम ई की वैल्यू नहीं दे रखी और आंसर एम ई में है नहीं, तो क्योंकि एम ई की वैल्यू दे नहीं रखी तो फिर मैं इस क्वेश्चन तो फिर मैं क्या करूं, मैं इसको एटॉमिक मास में लिखूं जिसमें एम ई नहीं आता है। ठीक है, जिसमें एम ई नहीं आता, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एम ई इज नॉट गिवन, तो हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, योर क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इनटू सी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, मेरी फिर से जो नई बात है वो ये है, आपका आंसर सी स्क्वायर में नहीं है तो, और मैं यहाँ पे सी स्क्वायर हटा नहीं पाऊंगा, तो ऐसे मानो कि जो आपको मास दे रखा है वो मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी दे रखी है, आपको सी स्क्वायर उसमें यूज नहीं करना है, यानी कि ऐसे मानो कि जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो सी स्क्वायर के साथ दे रखा है, उसकी एनर्जी इक्विवेलेंट है, क्योंकि जो आपके अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री है ये इनकी एनर्जी इनकी भी यूनिट एनर्जीज होती है, तो ये मास इनटू सी स्क्वायर की वैल्यू है ना कि केवल मास की वैल्यू, क्योंकि अगर सी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है आप सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में सी स्क्वायर आएगा, हटा नहीं पाओगे, तो ऐसे मान लो कि एम सी स्क्वायर की वैल्यू रखिए। अब आप एम एक्स की वैल्यू रखो, एम एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें एक्स का ए रखो जो कि ए है और एक्स का जेड रखो जो कि है जेड ए माइनस वन। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में रख रहा हूँ अल्फा वन ए प्लस अल्फा टू ए की पावर टू बाई थ्री, अब मैं क्या लिख रहा हूँ एम एक्स की वैल्यू, mx into c square की value, mx into c square की value, alpha 1a into alpha 2a की power 2 by 3 plus alpha 3, x का z कितना है, z a minus 1 plus alpha 4, z a minus 1 का square, ये मैंने अभी क्या कर दिया, mx की value, mx c square की value, अब करोगे minus my c square की value, my में भी a की value यही है, minus alpha 2a की power 2 by 3, minus alpha 3, इसका y का z कितना है, z a, minus alpha 4, ये क्या है, z a square, इसको solve करो और बताओ कितना कितना आ रहा है z a में, z a की terms में, यहाँ पे अल्फा वन जो ये टर्म से कट जाएंगी, अल्फा वन ए अल्फा वन ए अल्फा टू अल्फा ये कैंसिल हो गई। ठीक है, और जब आप जेड के टर्म्स में निकाल लोगे तो फिर जेड की वैल्यू रख देना माइनस अल्फा थ्री अपॉन टू अल्फा फोर, और फिर बताओ कितना आंसर आ रहा है,
ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है आपका, यानी कि अल्फा फोर, ठीक है, तो सही है आपका आंसर। तो यहाँ पर जाएगा आपका अल्फा थ्री जेड ए माइनस अल्फा थ्री, फिर आएगा प्लस अल्फा फोर जेड ए स्क्वायर, फिर आएगा प्लस प्लस अल्फा फोर, फिर आएगा माइनस टू अल्फा फोर जेड ए, और फिर आएगा माइनस अल्फा थ्री जेड ए माइनस अल्फा फोर जेड ए स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा फोर जेड ए स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद अल्फा थ्री जेड ए भी कैंसिल, तो ये हो गया माइनस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर माइनस टू अल्फा फोर, यहाँ पे जेड की वैल्यू दो, ठीक है। तो सभी सभी का आंसर बी है, सही है, कुछ का आंसर सी भी आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, इतना समझाने के बाद कुछ आंसर गलत आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे अल्फा फोर की वैल्यू, जेड की वैल्यू दो, ये आएगी माइनस अल्फा थ्री अपॉन टू अल्फा फोर, ये हो गया माइनस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा थ्री, तो अल्फा थ्री कैंसिल हो गया, केवल अल्फा फोर बचा, तो आंसर बी आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब कोई क्वेश्चन हो तो आप। सर ये सर जेड वाला प्रॉब्लम था इसी क्वेश्चन में, जेड कैसे निकाला? हाँ सर, डेल एम बाई डेल जेड सर, थोड़ा थोड़ा। देखो आप पहले बताओ कि आपने ये क्लास ज्वाइन कभी, आप लेट ज्वाइन किए थे? नहीं सर, अभी कंटिन्यू ज्वाइन कर रखे शुरू से ही। हाँ सर, तो एक बात तो बता, शुरू से कर रखा है, तो आपने सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला में मैंने आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा कि सर स्टार्टिंग, हाँ सर उधर पे लेट गई थी सर। हाँ हाँ, तो अच्छा मैं, अच्छा मैं आज की नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कि न्यूक्लियर कब से पढ़ रहे हो? नहीं सर, ठीक है, समझ एक मिनट, तो वो जो है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला में निकालना बताया था। देख सर, देख सर, पेज नंबर 12 वाला और 13 वाला कांसेप्ट आपने बताया था, फोटोन वाला, उसको और थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करा दे। 12 और 13? हाँ सर, 12 तो ये है, वो 13 तो ये है। हाँ सर, 13 ये सर, ये सर एच चीज सर जरूरी है कि सर फोटोन में उसका मतलब फोटोन के द्वारा उससे। हाँ हाँ, एक्चुअली जब ग्राउंड स्टेट में, हाँ इसमें गामा डी के, अभी हम बीएड के बाद गामा डी के पढ़ेंगे, तो गामा डी के, गामा डी के ये होता है कि जब अल्फा डी के और बीटा डी के में जब वो एफेक्ट से होता है और ये जो मास डिफरेंस का फॉर्मूला है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लाई, वो भी पहले पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा है, MCL minus MX की वैल्यू डायरेक्ट लिखी है, MX square minus MX square plus AC की बात बच गई, ये हम पहले डेरिवेशन करते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, इसलिए प्रॉब्लम होगी तो आप सर, अगर सर कोई अगर प्रॉब्लम उसके बाद आएगी तो मैं आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके पूछूंगा, अदरवाइज नहीं। ये स्लाइड नंबर फर्स्ट है, उसके बाद है ये स्लाइड नंबर सेकंड, सर तो मुझे यहाँ मतलब ऐप में असाइनमेंट नंबर टू कहीं नहीं मिला। देखो मैं एक बार उनसे कह देता हूँ फिर से, अब पता नहीं सचमुच मतलब जो आप कह रहे हो क्या पता सही हो, तो मैं उसे देखता हूँ, अगर नहीं होगा तो आप करवा देंगे, ठीक है, मैं एक बार आज कह दूंगा अभी। ठीक सर, मैंने वहाँ फोन किया था तो उन्होंने बोला था सर से बात कर लीजिए, वैसे मैंने बहुत अपने तरीके से ढूंढा, कोई और भी एक बार क्लास चेक कर ले अगर जो है। अपलोड नहीं हुआ सर, टू वाला अपलोड नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं उसे आज कह देता हूँ। सर आपने ये तो बोला था कि अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी रहता है उसका 4000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, एनर्जी नहीं, रेस्ट मास, रेस्ट मास एनर्जी, और सर बीटा का 0.5, बीटा का तो 0.5/1 होता है इलेक्ट्रॉन वाला, सर वो उसका अल्फा का वो 4000 कैसे आ रहा है? मैं और मैंने अप्रोक्सीमेट कहा है, लेकिन 4000 के आसपास कैसे आएगा? देखो अभी एक मिनट, मैं हाँ, इसमें अल्फा में दो प्रोटोन हो गए, दो न्यूट्रॉन हो गए, एक प्रोटॉन का होता है 938.3 के आसपास, ओके सर, और एक न्यूट्रॉन का होता है 939.6 के आसपास, तो अगर ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 4000 थोड़ा कम आएगा, ओके सर, हाँ हाँ ठीक है ठीक। और इनका जो क्यू क्यू वैल्यू 5 to 11 जो आपने बोला था, वो क्यू वैल्यू तो ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि भाई जो क्यू वैल्यू होती है वो उनकी कम होती है,
और जो पोटेंशियल बैरियर है वो ज्यादा होता है. yes, तो ये जो है क्लासिकली तो ओवरकम नहीं कर सकता बैरियर को, बट क्वांटम मैकेनिकली बाय द हेल्प ऑफ टनलिंग इट कैन गो थ्रू दैट बैरियर. हां हां सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है. सर, जैसे असाइनमेंट ऐप में आते हैं ना, तो उससे जो है ना देख देख के, मतलब वहाँ मोबाइल में देख के करने से बड़ा दिक्कत होता है. अगर उसका पीडीएफ भी जो है मतलब दिलवा देते तो हम प्रिंट करा के उसको करते काम, मतलब प्रैक्टिस तो ज्यादा हमें सही रहता. तो हमने बात किया था, तो वो कह रहे हैं कि ऐप से जो उसमें नहीं कुछ के तो मिलते हैं मैथमेटिकल वगैरह, लेकिन ये भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता. सर देखिए, ये तो बात यह है कि जो भी पॉलिसी इनकी है वो सभी सब्जेक्ट में ऐसी हुई होगी मेरे ख्याल से. नहीं सर, दूसरों की तो मिल गई है, दूसरों की मिल गई है. कुछ के मिले जैसे अभी हमको मैथमेटिकल के मिल गए, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के मिल गए. वो इसलिए सर कि उन्होंने अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं, मतलब वो टेलीग्राम ग्रुप है मैथमेटिकल का, तो वहां पे डाल देते हैं. नहीं सर, जो असाइनमेंट है ना हम लोग दे देते हैं ग्रुप में, अगर वो अभिषेक ग्रुप में है तो मिल जाएगा आपको. अच्छा ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है, सभी तीनों के तीनों असाइनमेंट ग्रुप में दिए हुए. अच्छा, तो एक काम करो भाई कि जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े वो ग्रुप में जुड़ जाए पहली बात तो, और दूसरा क्योंकि वो ग्रुप में अब जुड़ेंगे तो उन्हें पुराने वाला नहीं दिखेगा, तो फिर ग्रुप में जुड़ने के बाद कुछ लोग उसमें भी डाल दो दोबारा से. यस सर, दोबारा डाल देंगे. चलो ठीक है, तो इसे एड करें. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. ओके, वेलकम.